बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सब। फ्रेंड्स वेलकम टू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत खास है। फ्रेंड्स आज होने वाला है बैटल ग्राउंड। फ्रेंड्स आज हम करने जा रहे हैं FND T30X वर्सेस OBS DT 2425 के बीच पे साउंड कंपैरिजन, यानी कि बैटल ग्राउंड। फ्रेंड्स आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट आते थे कि हमें प्लीज सजेस्ट कर दीजिए कि कौन सा वाला बेस्ट रहेगा, 5000 या 6000 की रेंज में साउंड कंपैरिजन जो होने वाला है वो बिल्कुल फेयर होगा, जो विनर रहेगा उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा और क्लियर कट आपको बता दूंगा कि कौन सा आपको परचेस करना चाहिए इस प्राइस पॉइंट में। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। प्लीज आप इस वीडियो को देखने के लिए अपने हेडफोन्स का यूज करिएगा, तभी आपको साउंड क्वालिटी का पता लग पाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई सा भी मॉडल परचेस करना होगा तो जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं आपसे, PC मीडिया से आप परचेस करिएगा, आपको बेस्ट फॉर डील पर ये प्रोडक्ट्स वहां पर मिलेंगे। एंड फ्रेंड्स मैं इन दोनों के बारे में डिटेल पे बात नहीं करूंगा फीचर्स फंक्शंस के बारे में, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी साउंड टेस्ट और अनबॉक्सिंग दे दी है दोनों प्रोडक्ट्स की। मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों प्रोडक्ट्स की वीडियो के लिंक्स दे दूंगा, आप वहां पे से देख लीजिएगा। सो फ्रेंड्स वक्त ज्यादा ना गवाते हुए अपने साउंड कंपैरिजन यानी कि बैटल ग्राउंड को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स अगर आप लोग भी घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं तो जरूर से आप 11wicket.com पर ज्वाइन करिए और यहां से बहुत सारा पैसा कमाइए। सो आप देख लीजिए, मैं आपको अभी दिखा देता हूं इसका इंटरफेस कैसा है वेबसाइट का। देख लीजिए मैंने अपना खोल दिया है अकाउंट और मैंने अकाउंट क्रिएट कर रखा है। देख लीजिए इसमें मैंने 125 रुपीज अभी तक अर्न कर लिए हैं। फ्रेंड्स अगर आप इस पर ज्वाइन होते हैं तो आपको साइन अप बोनस मिलेगा 25 रुपीज़। अगर फ्रेंड्स आप लोग मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 50 रुपीज़ और मिलेगा, यानी कि 75 रुपीज़ तो आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। फ्रेंड्स आप फ्री में क्रिकेट लीग पर पार्टिसिपेट करके भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप लोगों की क्रिकेट स्किल्स अच्छी है तो ज़रूर से आप यहां पे ज्वाइन करिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और साथ में अपना रेफरल कोड भी दे दूंगा। सो ज़रूर से आप यहां पे लॉग इन करिए। सो फ्रेंड्स पहले मैं आपको ब्लूटूथ से दोनों टावर स्पीकर्स को कनेक्ट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि ये हम अनफेयर कर रहे हैं। सो ये चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। और फ्रेंड्स हम इस पे 4 राउंड करेंगे। सो आप हर एक राउंड को डिटेल में चेक करिएगा, उसमें क्वालिटी चेक करिएगा और प्लीज़ अपने हेडफोन्स का यूज़ करिएगा। सो देख लीजिए पहले हम OBH को कनेक्ट कर रहे हैं, देख लीजिए वो कनेक्ट हो गया है। अब हम फ्रेंड्स FND वाले को कनेक्ट कर रहे हैं T30X को। सो देख लीजिए इसे भी हमने पेयर कर दिया है और ये कनेक्ट हो गया है। सो प्लीज अपने हेडफोन्स का यूज करिए। राउंड 1। सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। Round 3।
fine. Fuck local radio stations. I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again. I've been going in. I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this. Telling me I should do that. Telling me things about rap. Talking the truth and then stabbing my back. They will knock me off track. No, can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online. My city don't show me no love, and that's fine. Fuck local radio stations. I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again. I've been going in. I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this. Telling me I should do that. Telling me things about rap. Talking the truth. अब फ्रेंड्स लास्ट सॉन्ग और प्ले करके देखते हैं। फ्रेंड्स इस सॉन्ग में आप इसकी बेस क्वालिटी, इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी, वोकल क्वालिटी, लाउडनेस क्वालिटी सारी चीज चेक करिएगा, फिर उसके बाद मैं लास्ट में आपको अपना एक्सपीरियंस पूरा शेयर करूंगा। सो फ्रेंड्स कैसा लगा साउंड टेस्ट बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर फ्रेंड्स आपका कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। आई थिंक फ्रेंड्स आप लोगों को भी पता लग गया होगा कि दोनों टावर स्पीकर्स में हमें किस तरीके का साउंड एक्सपीरियंस मिल जाता है और आप लोगों को आइडिया भी लग गया होगा। अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स हमने जितने राउंड्स पर सॉन्ग्स प्ले करे थे मैं हर एक राउंड को आपको क्लियर करके बताता हूँ और उसमें बताता हूँ कि कौन विनर रहा था। सो फ्रेंड्स पहले मैं दोनों टावर स्पीकर्स का आपको टोटल आउटपुट बता देता हूँ। फ्रेंड्स ओबेज DT2425 का जो टोटल आउटपुट है वो है 70 वॉट्स RMS का, एंड फ्रेंड्स जो FND T30X का टोटल आउटपुट है वो है फ्रेंड्स 56 वॉट्स RMS का। अब फ्रेंड्स दोनों ब्रांड्स मेरे फेवरेट हैं, FND तो मेरा फेवरेट है और ओबेज भी अब मुझे पसंद आ गया है। अब फ्रेंड्स जो भी मैं आपको बताऊंगा वो मैं बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं इस ओबेज को अच्छा बता रहा हूँ या FND को अच्छा बता रहा हूँ, जो मुझे एक्सपीरियंस लगा लाइव सुन के उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हमने वोकल क्वालिटी टेस्ट करा था राउंड वन में। फ्रेंड्स उस पे जो विनर रहा है वो रहा है फ्रेंड्स ओबेज DT2425, क्योंकि फ्रेंड्स इसका जो वोकल क्वालिटी था फ्रेंड्स बहुत ही अमेजिंग था। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि T30X का बुरा था, बट अगर हम विनर की बात करें तो इसमें फ्रेंड्स हमारा क्लियर विनर रहा ओबेज DT2425। अब फ्रेंड्स राउंड टू हमने करा था इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी टेस्ट का। फ्रेंड्स इस पे जो विनर रहा वो रहा फ्रेंड्स ओबेज DT2425। फ्रेंड्स ये इसमें भी विनर रहा, क्यों अब मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स जो मुझे एक्सपीरियंस लगा उस हिसाब से बताऊंगा। T30X में फ्रेंड्स हमें ऐसा लग रहा था कि जो साउंड क्वालिटी है वो थोड़ी मोटी सी है और ओबेज DT2425 की जो साउंड है थोड़ी पतली सी है। जो इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी थी वो ऐसा लग रहा था कि काफ़ी क्रिस्प क्वालिटी के साथ हमें मिल रही है। अब फ्रेंड्स T30X में साउंड क्वालिटी तो अच्छी थी बट उतनी क्रिस्प हमें नहीं मिल पा रही थी। जो क्लेरिटी हमें ओबेज में मिल पा रही थी वो बहुत ज़्यादा बेटर थी, और आई थिंक आप लोगों ने भी जब हेडफोन में इनका साउंड सुना होगा तो आपको भी ये चीज़ लगी होगी। एंड फ्रेंड्स थर्ड राउंड हमने लाउडनेस क्वालिटी टेस्ट का करा था। फ्रेंड्स इस पे भी हमें ओबेज DT2425 का जो लाउडनेस क्वालिटी थी वो ज़्यादा बेटर लगी FND T30X के अकॉर्डिंग, क्योंकि फ्रेंड्स जब मैंने सेपरेट T30X का साउंड टेस्ट
करा था, तो उसमें भी मैंने आपको बोला था कि अगर आप लोग T30X को एज अ लाउड वाला साउंड के हिसाब से परचेस करते हैं तो ऐसा आपको नहीं मिलेगा, आपको निराशा हाथ आएगी। सो ये चीज़ हमें लगी, ओबेज वाला इसमें भी क्लियर विनर रहा। अब फ्रेंड्स फाइनल राउंड जो था वो हमारा बेस क्वालिटी का था, बेस टेस्ट था, उसमें फ्रेंड्स हम ये कहना चाहेंगे कि ओबेज वाला भी बेटर था और FND T30X भी बेटर था, दोनों बराबर के लगे। ऐसा नहीं लगा कि हमें ओबेज DT2425 में ज़्यादा बेस मिल रहा है, ऐसा हमें नहीं लगा, दोनों का इक्वल बेस था। क्योंकि फ्रेंड्स FND में भी ये पावर है, FND के कोई भी होम थिएटर की अगर हम बात करते हैं या टावर स्पीकर की बात करते हैं उसमें बेस क्वालिटी हमें ज़्यादा बेटर लगती है। सो फ्रेंड्स अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं आपको कौन सा मॉडल परचेस करना चाहिए अगर आप बजट सेगमेंट में टावर स्पीकर परचेस कर रहे हैं, सो फ्रेंड्स मेरा एक ही आंसर रहेगा, आपको ओबेज DT2425 परचेस करना चाहिए। इससे अच्छा टावर स्पीकर मेरे हिसाब से बजट रेंज में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स T30X का प्राइस भी 7,500 रुपीज़ है और ओबेज आपको 5,500 तक मिल जाएगा अगर आप PC मीडिया से परचेस करते हैं। सो प्राइस भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है और जो साउंड क्वालिटी है वो ज़्यादा बेटर हमें लगती है T30X के अकॉर्डिंग। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से आपको ओबेज का टावर स्पीकर परचेस करना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स प्लीज हमें सपोर्ट करिए, हम इस तरीके से आपके लिए मस्त से मस्त बैटल ग्राउंड लेकर आते रहेंगे और आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप लोग कोई सा भी होम थिएटर परचेस कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स प्लीज अपना सपोर्ट आप हमारे साथ बनाए रखिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।